अभी मजा आएगा ना। क्या अभी भी वीजे बंद हैं या बैन हैं? किस किस तबके के वीजे लग रहे हैं? आज की तारीख के अंदर क्या अपडेट्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अफनान अली है। अगर आपने भाई के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो भाई, सूरत हाल ये है कि 50-50 चांसेस हैं आपके वीज़ा के निकलने के। आपका वीज़ा निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। सूरत हाल ये है कि आप ऐसी कंपनी में आएँ जहाँ पर कोटा मौजूद है तो आपका वीज़ा टाइप किया जाएगा। अगर टाइपिंग सेंटर उसको एक्सेप्ट करता है और जो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी एरर है वो नहीं आता तो फिर आपका वीज़ा निकलेगा। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब सूरत हाल ये है कि 50-50 चांसेस हैं आपके वीज़ा निकलने के। इसको मिसाल के जरिए यूँ समझ लो कि दुबई की अगर कोई बड़ी से बड़ी कंपनी भी वीज़ा अप्लाई कर रही है, जिस तरह के मैं यहाँ पर मिसाल के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ, यूएई की एक कंपनी है ट्रांसगार्ड, बहुत बड़ी कंपनी है। यूएई की है, जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनके अंदर इसका नाम आता है। जिस तरह के इमार है, डेजर्ट है, इसी तरह फार्निक है, डल्सको है, ये बहुत बड़ी कंपनीज़ है। लेकिन जो यूएई की बड़ी कंपनीज़ हैं उनके अंदर ट्रांसगार्ड का भी नाम आता है। ट्रांसगार्ड अगर वीज़ा अप्लाई करे ऐसी सूरत में कि उसको वर्कर की ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है, तो ऐसी सूरत में फिर चक्कर ये होगा कि अगर वो 100 वीज़े अप्लाई करे तो 100 में से 20 वीज़े निकलेंगे, 80 वीज़े नहीं निकलेंगे। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब जो 80 वीज़े नहीं निकल रहे, इसके बाद इसकी वजह किसी को भी पता नहीं है कि ये क्यों नहीं निकले। ठीक है ना, 100% वीज़ा रेशो नहीं है, वीज़ा रेशो कम है। आपके वीज़ा अप्लाई करने में सूरत हाल ये है कि अगर तो कोटा मौजूद होगा तो आपकी कंपनी अगर वीज़ा अप्लाई करे तो फिर भी आपके वीज़ा निकलने के 50-50 चांसेस हैं। टाइपिंग सेंटर के अंदर जो इस टाइम की करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक जब वीज़ा अप्लाई किया जा रहा है हर एक का, तो टाइपिंग सेंटर में ये ऑप्शन आ रहा है, दिस सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल, यानी कि ये जो सर्विस है अवेलेबल नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि आप अगर वाइट कॉलर जॉब के अहल हैं, आपके पास कोई ना कोई डिग्री है, वाइट कॉलर जॉब जो ऑफिस लेवल की जॉब्स हैं और आपके पास अटेस्टेड डिग्री है, तो फिर ऐसी सूरत में आपका वीज़ा निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता। रिजेक्ट होने में भी आपकी मिस्टेक नहीं होती, टाइपिंग सेंटर में अगर सही डिटेल डाली जाए तो आपका वीज़ा निकलेगा। तो ये सूरत हाल है आज की तारीख में। तो भाई, अब ऐसी सूरत में आपके लिए क्या ऑप्शन है? तो भाई, आप किसी और कंट्री को टारगेट कर लें, जिस तरह दुबई के सेम सऊदीया है, या आप कतर चले जाएँ, बहरीन चले जाएँ। ज़रूरी थोड़ा है कि आप दुबई आएंगे, इधर आकर ही अपने हालात बेहतर करेंगे। गल्फ़ के और भी कंट्रीज़ हैं, जिस तरह के बहरीन है, उसकी जो करेंसी है वो दुनिया के सेकंड नंबर पर आती है। सबसे जो फर्स्ट जो करेंसी है वो कुवैत की है, इसके बाद फिर बहरीनी दिनार है, मेरी जहां तक मालूम है। इसके बाद फिर जो है वो मस्कत ओमान का जो रियाल है, ये तीसरे नंबर पर ये तीनों करेंसियाँ आती हैं। मैक्सिमम भी अगर कुवैत की जो करेंसी है वो उधर का एक दिनार हो तो पाकिस्तानी में 700 से ऊपर बनता है, इसी तरह बहरीन के जो हैं वो 600 से ऊपर बनता है। आज की तारीख में क्या अपडेट ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने काफ़ी देर पहले ये गूगल पर लिखा था। इसी तरह जो मस्कत ओमान की करेंसी है ये काफ़ी हैवी है, ये तीनों करेंसियाँ इससे ज़्यादा हैं। तो आप उन कंट्रीज़ को टारगेट कर लें तो आपके लिए फ़िलहाल ये ऑप्शन है। बाकी आपने फिर भी दुबई आना है तो फिर ऐसी सूरत में आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। वीज़े जब नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो आप जनाबे वाला इधर आ जाएं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं आपको बताऊंगा जब मुकम्मल तौर पर ओपन हो जाएंगे, तो मैं आपको ये बातें पहले भी बता चुका हूं। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।